ओके, डेफिनेट इंटीग्रेशन में अंदर आइए और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर पिछले टर्न पे अपन ने कुछ सवाल किए थे, आइए आज और सवाल करें और डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर और बात सीखें। जरा ध्यान देना इन क्वेश्चंस पर। पांच सवाल हो चुके थे, सिक्स्थ क्वेश्चन। आप ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, एक एक मिनट लेंगे इनको अटेम्प्ट करने के लिए। जीरो से इन्फिनिटी डी एक्स अपॉन एक्स प्लस रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर की पावर एन। सेवेंथ क्वेश्चन, एक बहुत अच्छा सवाल, इंटीग्रेशन ए टू बी। जो सवाल मैं दे रहा हूं ये सारे बहुत चुनिंदा सवाल है, चुने हुए सवाल है। एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस एन माइनस वन इंटू ए प्लस बी एक्स प्लस एन ए बी, और ये आ जाएगा होल अपॉन एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर डी एक्स। शुरू हो जाइए, क्वेश्चन मत कॉपी करिए बल्कि उनको करना शुरू करिए। इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी एक्स की पावर टू एन प्लस वन इंटू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। हाँ, एक और क्वेश्चन, बहुत अच्छा ये क्वेश्चन कहता है एफ वन की वैल्यू थ्री है एंड एफ डैश वन की वैल्यू टू है एंड इंटीग्रेशन, अरे नहीं नहीं ऐसे रो मत यार, जीरो से वन एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू फाइव है और आपको फाइंड करना है, फाइंड इंटीग्रेशन जीरो से वन एक्स स्क्वायर इंटू एफ डबल डैश एक्स डी एक्स। शुरू हो जाइए, दसवां, टेंथ क्वेश्चन। जो कुछ अच्छे अच्छे सवाल हैं उनको अपन को करना ही पड़ेगा। दसवां क्वेश्चन, एफ ऑफ पाई की वैल्यू टू दे रखी है एंड बोला गया है इंटीग्रेशन जीरो से पाई एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डबल डैश एक्स होल इंटू साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू फाइव, फाइंड एफ ऑफ जीरो। हाँ, एक एक मिनट लगाएंगे, पहले पांचों सवाल अटेम्प्ट करेंगे, सिर्फ एक एक मिनट, ताकि आपको हल्का सा फील आ जाए। मैं बताऊं, कॉपी करिए, इन सारे सवालों के सॉल्यूशन बहुत ढंग से देखेंगे और इनके बाद अभी 10 सवाल और आएंगे। अपन ने इनडेफिनिट इंटीग्रेशन पूरा पढ़ लिया और अपन को इंटीग्रेशन करना आता है, लेकिन डेफिनिट इंटीग्रेशन अपन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, लेकिन कुछ ऐसी विशेष और चीजें हैं जो कि और निकल के आएंगी इसके अंदर। एक एक सवाल मैं सॉल्व करूंगा, आप एक एक सवाल को ध्यान से देखिए, अभी अपन को 10 सवाल और लेने हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। ये चार के छह, पांच के पांचों सवाल जो मैंने यहां लिखे हैं, पांच के पांचों सवाल प्रीवियस ईयर्स आईटी पेपर के ही सवाल हैं, इसलिए इनको ध्यान से देखना है। ओके, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बहुत प्यारा क्वेश्चन, क्या कोई कर पाया इसको? बहुत प्यारा क्वेश्चन। इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसको ध्यान रखेंगे, वन प्लस एक्स स्क्वायर को हम लोग टी रख देंगे, तो हम लोग पुट कर रहे हैं एक्स प्लस रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर को टी। तो एक्स प्लस रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर को टी रख दिया, तो बच्चे क्या करते हैं आमतौर पर, इसको ही डिफरेंशिएट कर देते हैं। मत करिए, इसको डिफरेंशिएट मत करिए, बल्कि आप इस चीज को रेशनलाइज कीजिए। जब आप इसको रेशनलाइज करेंगे तो वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, इसको आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को टी से। तो ये वन अपॉन रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू टी आ जाएगा, यानी अगर रेसिप्रोकल ले लें तो वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की वैल्यू वन बाई टी आ गई। ये हमारा सब्सटीट्यूशन वाली इक्वेशन थी, इसको इक्वेशन वन कह दीजिए, और ये हमने टू को ऑब्टेन की, वन में से टू को घटा दीजिए, तो अगर हम वन माइनस टू को कंसिडर करते हैं तो वन माइनस टू की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, टू एक्स इक्वल टू टी माइनस वन बाई टी, एक्स इक्वल टू हाफ टी माइनस वन बाई टी। अब डिफरेंशिएट करिए तो डी एक्स की वैल्यू हाफ वन प्लस वन बाई टी स्क्वायर डी टी। ऐसा सब्स्टिट्यूशन आमतौर पर अपन ने वहां पर डेफिनेट इंटीग्रेशन में नहीं किया था, आप ऐसे बहुत इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में नहीं किया था, ऐसे बहुत सारे सब्स्टिट्यूशन हैं जो कि हम डेफिनिट में नए नए सीखेंगे। और आपके मन में विचार आया, गुरु जी गजब कर रहे हो यार, पूरा इनडेफिनिट पढ़ा दिया, सब्स्टिट्यूशन ही नहीं बताया। क्योंकि ये मेनली डेफिनिट में यूज होता है, क्योंकि कुछ ऐसे सब्स्टिट्यूशन होते हैं
जिसमें रिवर्स बैक नहीं जाना पड़ता। अगर आप इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में कोई भी सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो उसके बाद आंसर के लिए उसको रिवर्स सब्स्टिट्यूशन भी करना पड़ता है। लेकिन कुछ ऐसे वाहियात किस्म के सब्स्टिट्यूशन होते हैं जिसमें रिवर्टिंग पॉसिबल नहीं होती, रिवर्टिंग सुंदर नहीं होती, तो उनको अपन ने बचा के रखे हैं किसके लिए, डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर dx की वैल्यू आ गई, जैसे ही dx की वैल्यू ये आ गई और जगह बिखेर लेंगे अपन बाद में, तो छठे क्वेश्चन को हम ध्यान से देखें तो dx की वैल्यू ये आने के बाद ये क्या बनता है, यही क्वेश्चन हमारा बन जाएगा। देखिए ध्यान से, dx की जगह आ जाएगा हाफ, यहां पर देखिए कोने पर देखते रहिए, हाफ हाफ बाहर निकाल लेंगे, 1 + 1/t² dt, पर यह चीज आ जाएगी t की पावर n नीचे। लिमिट देखिए, x की जीरो रखेंगे तो लोअर लिमिट 0, 1 आ जाएगी t की वैल्यू, x को इन्फिनिटी रखेंगे तो t की वैल्यू इन्फिनिटी आ जाएगी। इसके अंदर देखिए हाफ, देखिए कितना इजिली इंटीग्रेशन हो गया, एक तो बन गया 1/t की पावर n और दूसरा बन गया 1/t की पावर n+2 dt। सिर्फ मैं लिखूंगा आईएजी का मतलब, एक बच्चा पूछ रहा था, आईएजी का सिंपल मतलब है इंटीग्रेट एंड गेट, बस। अब 1/t की पावर n भी इजिली इंटीग्रेबल एलजेब्रिक फंक्शन है, 1/t की पावर n+2 भी इजिली इंटीग्रेबल एलजेब्रिक फंक्शन है, कर लीजिए दोनों को इंटीग्रेट। कॉपी करिए क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। अब जरा 7 क्वेश्चन को देखिए, 7 क्वेश्चन के अंदर एक थॉट है और वो थॉट मैं आपको बताने जा रहा हूं। सातवें प्रश्न को सब बच्चे ध्यान देखेंगे, यार यहां पर नीचे मतलब इंटीग्रेट करना है हमको, इंटीग्रेट करने का मतलब है हम ऐसा फंक्शन ढूंढना है जिसको डिफरेंशिएट करने पर ये आ जाए। अब आप थोड़ा दिमाग लगाइए, थोड़ा अजीबोगरीब सा है, थोड़ा दिमाग लगाते हैं। ओके, हमको ऐसा फंक्शन ढूंढना है जिसको डिफरेंशिएट करने पर ये आ जाए। इसके डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है आपको, इसके डिनोमिनेटर में दिख रहा है x + a² × x + b² उत्तरी, डिनोमिनेटर में दिखाई पड़ रहा है x + a² × x + b² यानी जिस चीज को डिफरेंशिएट किया गया होगा उसके डिनोमिनेटर में x + a × x + b रहा होगा, क्योंकि जब हम u/v को डिफरेंशिएट करते हैं तो समथिंग अपॉन वी स्क्वायर आता है। ओके, एक थॉट चला दिमाग में। एक और चीज ऑब्जर्व कर रहा हूं कि न्यूमरेटर में x^(n-1) है, किसको डिफरेंशिएट करने पर x^(n-1) आता है, x^(n) को डिफरेंशिएट करने पर आता है। तो हम सेवंथ क्वेश्चन के लिए एक थॉट देते हैं, एक गजब का थॉट देते हैं, एज्यूम करते हैं कि x^(n)(x+a, x+b) को हम लोग टी सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये जो सब्स्टिट्यूशन सोचा गया है ये हाथों हाथ क्वेश्चन को देखकर सोचा गया है कि यार क्वेश्चन के अंदर डिनोमिनेटर में जिस चीज का होल स्क्वायर है, पक्का जिस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया गया होगा उस चीज को डिफरेंशिएट किया होगा, तो वो चीज है यहां पर। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहां पर समझने की है कि न्यूमरेटर में x^(n-1) आ रहा है, किसको डिफरेंशिएट करने पर x^(n-1) आएगा, भाई x^(n) को डिफरेंशिएट करने पर। दोनों कॉम्बिनेशन को बैठाते हुए हमने क्या किया, इसको टी रख दिया कि x^(n)(x+a) × x+b) आ गया हमारे पास। चलिए कर दीजिए इसको डिफरेंशिएट, अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, इसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा, करो तो न्यूमरेटर का डेरिवेटिव इनटू डिनोमिनेटर ये निकल के आएगा माइनस डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 2x + a + b इनटू न्यूमरेटर होल अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर dx, ये चीज बन गई dt। अगर आप पूरे में से देखें तो x^(n-1) आप बाहर निकाल सकते हैं और नीचे x + a² × x + b² आ जाएगा। x^(n-1) बाहर निकालेंगे, यहां पर क्या बनेगा, आइए उस चीज को देखें, यहां पर आपके पास बनेगा nx² + n (a+bx) + nab, और यहां पर आपके पास बनेगा -2x² - a + b (x). ये dx = dt, आंखें कुछ देख रही हैं, आंखें अरे रे 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 क्या देख लिया आज आंखों ने सवेरे सवेरे, x + b² ये बन गया n-2x² + n-1 (a+bx) + nab, अरे रे रे nab dx = dt। अरे इसी चीज को तो इंटीग्रेट करना है, तो यानी अगर हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं सीधे सीधे, इसी चीज का डिफरेंशिएशन तो ये आ रहा है, इसी चीज का डिफरेंशिएशन आ रहा है, यानी
सेवेंथ क्वेश्चन में जो आंसर निकल के आएगा वो और कुछ नहीं है, उसका इंटीग्रेशन यही है, क्योंकि इसी का डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन वहां लिखा हुआ है, कहां से कहां ए टू बी गेट, बस एक बार बी रख देंगे और एक बार ए रख देंगे। कॉपी कर लीजिए, बहुत ही रिमोट और बढ़िया थॉट कि हम इसको टी रखें तो देखें कि उसी का डेरिवेटिव बन जाता है। कॉपी करिए। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर सेवन भी देख लिया, यानी टिक कर देते हैं अपन अलग रंग से। सिक्स भी समझा दिया, सेवन भी समझा दिया। क्वेश्चन नंबर एट, आइए अलग से सॉल्व करें, क्वेश्चन नंबर एट को कॉपी कर लेते हैं, फिर आराम सॉल्व करते हैं। तो एट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो एट क्वेश्चन है मेरे बच्चे, जीरो से इन्फिनिटी एक्स की पावर टू एन प्लस वन इंटू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, ये रहा एट क्वेश्चन। आइए इसको मिलजुल के सॉल्व करते हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं है, आराम सॉल्व करना है। एक्स की पावर टू एन प्लस वन ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, देख रहा है कि भैया लगेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट, अच्छी बात है। क्या आपको मैंने लगातार खतरनाक तरीके से इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाना सिखाया है? बिल्कुल सिखाया है। इसको थोड़ा एक्स स्क्वायर की पावर एन इंटू एक्स डीएक्स कर लेते हैं, ये एक्स स्क्वायर ठीक नहीं लग रहा तो हम क्या करते हैं, इसी के अंदर एक्स स्क्वायर को टी रख देते हैं तो टू एक्स डीएक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा। तो जो एक्स डीएक्स है वो डी टी बाई टू बन जाएगा, तो हाफ इंटीग्रेशन डी टी, और ये बन जाएगा टी की पावर एन इंटू ई की पावर माइनस टी, ये निकल के आ रहा है, जा गया हमारे पास। अब आ जाइए लिमिट्स क्या होंगी, एक्स की वैल्यू जीरो तो टी की वैल्यू जीरो, एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी टी की वैल्यू इन्फिनिटी। अब थोड़ा सिंपल लग रहा है, टी की पावर एन इंटू ई की पावर माइनस टी, तो पहला काम हमने एक्स स्क्वायर को टी रख दिया। अब इसके अंदर लगाएंगे हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट और आप सब लोग ध्यान से देखेंगे। ऑब्वियस सी बात है, आई लेट में सबसे लेट कौन आया है, ई की पावर माइनस टी, तो हर बार जब भी आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाएंगे तो यही बनेगा फर्स्ट फंक्शन और यही बनेगा सेकंड फंक्शन। ध्यान सुनते हैं, हाफ तो बाहर पढ़ाई हुआ पढ़े रहने दे, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, टी की पावर एन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ई की पावर माइनस टी अपॉन माइनस वन, इस पूरे की लिमिट जाएगी जीरो से इंफिनिटी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, कितना हो जाएगा एन इंटू टी की पावर एन माइनस वन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड ई की पावर माइनस टी, और माइनस साइन को बाहर निकालने प्लस बन जाएगा डी टी जीरो से इंफिनिटी। थोड़ी देर के लिए अपन जो हमारा क्वेश्चन है उसी को आई कह देते हैं, आई। देखिए ध्यान से, इसकी वैल्यू जीरो आ जाएगी। कैसे इसकी वैल्यू जीरो आ जाएगी, लोअर लिमिट जीरो रखेंगे तो भी जीरो हो जाएगा, अपर लिमिट इंफिनिटी रखेंगे ई की पावर माइनस इंफिनिटी जीरो। तो यहां से देखिए, जो आई इसके बराबर था वो एक बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाया तो समझिए बात को, आई जो इसके बराबर था, आई जो इसके बराबर था हाफ इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी टी की पावर एन ई की पावर माइनस टी डी टी, एक बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाने पर एन बाई टू आ जाएगा, और यहां पर लिमिट आ जाएगी टी की पावर एन माइनस वन ई की पावर माइनस टी डी टी। ऐसे ही आप एक बार और इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाएंगे तो एन इंटू एन माइनस वन बाई टू इंटू जीरो से इन्फिनिटी टी की पावर एन माइनस टू e की पावर माइनस थ्री डी टी। ऐसे आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाते आएंगे तो n फैक्टोरियल बाय टू इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी e की पावर माइनस थ्री डी टी ही बचेगा। बार बार लगाते आइए, n n माइनस वन n माइनस टू सबके सब बाहर आते आएंगे, तो n n माइनस वन n माइनस टू करते करते सारे बाहर आ जाएंगे। e की पावर माइनस थ्री का इंटीग्रेशन आजकल तो प्ले ग्रुप के में सिखाया जा रहा है, e की पावर माइनस थ्री अपॉन माइनस वन, और लिमिट कहां से कहां जीरो से इन्फिनिटी। देखे ध्यान से, जब आप इन्फिनिटी रखेंगे तो इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, लेकिन जीरो रखेंगे तो इसकी वैल्यू माइनस वन होगी, तो कुल मिला के आंसर निकल के आ जाएगा एन फैक्टोरियल बाई टू। कभी सोचा नहीं था कि इंटीग्रेशन करने के बाद किसी क्वेश्चन का आंसर फैक्टोरियल के टर्म्स में भी आ सकता है, लेकिन इसके अंदर बार बार लग रहा है इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। कॉपी करिए। अरे मेरे बच्चे, 9 एंड 10 दोनों क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, 9 और 10 ये दोनों क्वेश्चन तकरीबन एक जैसे ही हैं। आइए एक एक करके दोनों को सॉल्व करें। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाते हैं, 9th क्वेश्चन को आओ पेज बदल लेते हैं, है ना, एक ही पेज पर, वरना आपके नोट्स में बहुत सारा आ जाएगा। ये 9th क्वेश्चन का पैटर्न समझना है
क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपको यकीन नहीं होगा कि इस पैटर्न का क्वेश्चन आईटी के अंदर 3-4 बार आ चुका है। जो लास्ट 42 ईयर्स में आईटी हुई है उसके पेपर को सब बच्चे जरूर रिफर करें। नाइन्थ क्वेश्चन की बात करें तो नाइन्थ क्वेश्चन में दोबारा से केवल आपके लिए लिख दे रहा हूं, है ना, उसमें कॉपी पेस्ट भी पता नहीं होता क्यों था। नाइन्थ क्वेश्चन लिख लेते हैं, एफ वन की वैल्यू आपको 3 दे रखी है और एफ डैश वन की वैल्यू 2 दे रखी है और इंटीग्रेशन 0 से 1 एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू 5 दे रखी है। क्या होता है जब आप एक एक बार एक एक मिनट अगर क्वेश्चन पर लगा लेते हैं तो समझाते वक्त बेहतर समझ में आता है। तो हमको जो फाइंड करना है वो हमको फाइंड करना है इंटीग्रेशन 0 से 1 एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश एक्स डी एक्स, ये लीजिए। चलिए बात करते हैं हम लोग ध्यान से। यार यहां पर देखो, एक बात सुनो ध्यान से, मेरी बात सुनो, आपको इसकी वैल्यू दे रखी है। अब मनी मन सोचो, अगर मैं इसको 2 बार इंटीग्रेट कर दूं और इसको 2 बार डिफरेंशिएट कर दूं तो यही वैल्यू मिल जाएगी। तो यानी इसके अंदर मैं लगाऊंगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट। अक्सर ऐसा होगा, क्वेश्चन नंबर 10 भी ऐसा है और आगे भी मैं एक दो क्वेश्चन ऐसे लूंगा जिसके अंदर क्या होगा कि आपको एक इंटीग्रल की वैल्यू दे रखी होगी और दूसरे इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी होगी और दूसरे इंटीग्रल में इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाने पर 1 या 2 बार आपको वो गिवन इंटीग्रल प्राप्त करता होगा। मतलब आपको सोचना है किसको इंटीग्रेट किसको डिफरेंशिएट। एक्स स्क्वायर 2 बार डिफरेंशिएट करते मर जाएगा, 1 हो जाएगा और एफ डबल डैश एक्स का 2 बार इंटीग्रेशन एफ एक्स उत्तर ही। मन में भावना बिल्कुल प्रबल हो चुकी है तो एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश एक्स डी एक्स यही बनना है हर बार फर्स्ट, यही बनना है हर बार सेकेंड। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, एफ डबल डैश का इंटीग्रेशन, इसकी लिमिट अपने आप में 0 से 1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड का होल इंटीग्रेशन। जो बात मैंने बोली है ध्यान रखनी है, अक्सर अक्सर ऐसे सवाल मिलेंगे जिसके अंदर की एक आपको इंटीग्रेशन दे रखा होगा और दूसरा इंटीग्रेशन उसी से लिंक हो जाता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाने पर। अब जरा ध्यान दीजिए, जब एक्स की वैल्यू आप 0 यहां पर एक्स की 1 रख देंगे तो 1 स्क्वायर इंटू एफ डैश 1 2 आ जाएगा और 0 रखने पर स्वाहा हो जाएगा और 2 टाइम्स 0 से 1 एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स फिर से लगेगा इसके अंदर इंटीग्रेशन बाय पार्ट। फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, इसकी लिमिट 0 से 1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट गया इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड का होल इंटीग्रेशन। अरे रे आंखें उत्तर ढूंढ रही हैं, 2 माइनस 2 इसमें 1 रखेंगे तो 1 इंटू एफ ऑफ 1 की वैल्यू 3 आ जाएगी माइनस 0 से 1 एफ एक्स डी एक्स देखिए 5। सब कुछ कैसा सेट करके दिया गया है हमारे ऑब्जर्वेशन के लिए कि ये गिवन है, इसको निकालिए और इसके अंदर 2 बार इंटीग्रेशन में पार्ट लगा दे, बन जाता 3 5 के -2 -2 -2 4 और आंसर आ गया 6। कॉपी करिए। ओके एक और देखें, अगला क्वेश्चन जो अपन ने दिया था उस क्वेश्चन को भी देखें। 10वां क्वेश्चन जो मैंने दिया था आप लोगों को, 10वां क्वेश्चन भी ऐसा है, एफ ऑफ पाई की वैल्यू 2 दे रखी है, 0 से पाई एफ एक्स प्लस एफ डबल डैश एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स 5 दे रखा है और हमको फाइंड करना था एफ ऑफ 0। देखिए कैसे करेंगे इसके अंदर, सुनो मेरी बात को, ये जो इंफॉर्मेशन गिवन इसके हम टुकड़े टुकड़े कर लेते हैं। यहां पर आ जाएगा एफ एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स प्लस 0 से पाई एफ डबल डैश एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू 5। अब देखिए अक्सर इंटीग्रेशन बाय पार्ट का प्रपंच लगता है, इसके अंदर भी प्रपंच लगाएंगे लेकिन इसके अंदर इसको बनाएंगे फर्स्ट और इसको बनाएंगे सेकेंड और यहां पर उल्टा कर देंगे, इसको बनाएंगे फर्स्ट इसको बनाएंगे सेकेंड। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि एफ एक्स का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो एफ डैश एक्स बनेगा और एफ डबल डैश एक्स का जब इंटीग्रेशन करेंगे तब एफ डैश एक्स बनेगा, तो दोनों में एफ डैश एक्स बनाएंगे। चलिए बात करते हैं, यहां पर फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स और इस पूरे पर लिमिट लग गई 0 से पाई माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड का होल इंटीग्रेशन, इस पर लगा दिया इंटीग्रेशन बाय पार्ट प्लस यहां पर भी आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, इसकी लिमिट 0 से पाई
minus integration of differentiation of first into integration of second का होल इंटीग्रेशन। ऐसे हमने जब इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाया तो आप ध्यान से देखिए कि इंटीग्रेशन करना ही नहीं पड़ा, यह हिस्सा कट गया। अब आइए जीरो से पाई की बात करते हैं। जब आप इसमें अपर लिमिट रखेंगे पाई तो माइनस एफ ऑफ पाई आएगा इंटू कॉस पाई की वैल्यू माइनस वन हो जाएगी, और माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो लोअर लिमिट जीरो रख दीजिए, माइनस एफ ऑफ जीरो कॉस जीरो की वैल्यू वन हो गई। इसके अंदर चाहे पाई रखो तो भी साइन पाई जीरो हो जाएगा, जीरो रखो साइन जीरो जीरो हो जाएगा, तो कुल मिला के पांच ही आ जाएगा। तो यहां से एफ ऑफ पाई प्लस एफ ऑफ जीरो की वैल्यू चुपचाप पांच आ गई, एफ ऑफ पाई की वैल्यू टू है तो एफ ऑफ जीरो की वैल्यू थ्री आ गई। कॉपी करिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें हम कुछ और क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा सा हमको उससे बेनिफिट होगा। आइए 11वां क्वेश्चन, बस पांच और सवाल लगाने। 11वां क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कहता है एफ जीरो इज जीरो एंड जी जीरो इज पाई एंड एफ ऑफ वन इज 2009/2 एंड जी ऑफ वन इज वन। फाइंड करना था इंटीग्रेशन जीरो से वन एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स इंटू जी स्क्वायर एक्स माइनस वन प्लस एफ डैश एक्स इंटू जी एक्स इंटू जी स्क्वायर एक्स प्लस वन होल अपॉन जी स्क्वायर एक्स डी एक्स। ऐसे ही 12वां सवाल है, ये सवाल भी बहुत अच्छा है। इस सवाल को करेंगे इंटीग्रेशन जीरो से पाई बाई टू रूट ऑफ sec x माइनस टेन एक्स होल अपॉन sec x प्लस टेन एक्स इंटू cosec x होल अपॉन रूट वन प्लस टू cosec x dx। 13वां सवाल, यह सवाल भी बहुत अच्छा है। 13वां सवाल कहता है कि gx इज इनवर्स ऑफ fx एंड एफ वन इज टू एंड एफ फाइव इज टेन, और बोलता है फाइंड वैल्यू ऑफ, आपको निकालनी है इंटीग्रेशन वन से फाइव एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन टू से टेन जी वाई डी वाई। 13वां और 14वां को चलो इनको करते हैं, फिर 14वां क्वेश्चन करते हैं। एक एक मिनट लगा के अटेम्प्ट कीजिए। आइए इन सवाल, हाँ इन सवालों को भी करें। 11वां क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन, तीन सवाल और दिए गए थे। अभी अपन क्या कर रहे हैं, अभी अपन कर रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन विद द हेल्प ऑफ इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन किसकी मदद से, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की मदद से। चलो देखते हैं, ये कुछ खतरनाक सा दिख रहा है। इसके अंदर ये जी स्क्वायर एक्स वाली चीजों को अलग कर लें, थोड़ा ध्यान से देखें क्वेश्चन नंबर 11 को। मैं कैसे इस क्वेश्चन को करने जा रहा हूं, ध्यान से देखिए आप। जी स्क्वायर एक्स वाले को अलग कर लें तो आपको ये दिखाई पड़ेगा इंटीग्रेशन जीरो से वन। देखो ये जी स्क्वायर एक्स नीचे से कट जाएगा भाई, दिस इंटू जी स्क्वायर एक्स और दिस इंटू जी स्क्वायर एक्स, तो जी स्क्वायर एक्स कट जाएगा तो आपको ये दिखाई पड़ेगा एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू जी एक्स। अब जिनके पास जी स्क्वायर एक्स था वो तो नीचे कट गया, क्या बच गया, वो तेरी आंखें कुछ देख रही है। इधर एफ डैश एक्स इंटू जी एक्स माइनस एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स, तो यहां पर बचेगा एफ डैश एक्स इंटू जी एक्स माइनस जी डैश एक्स इंटू एफ एक्स। होल अपॉन जी स्क्वायर, क्या आपकी आंखें भी वही देख रही हैं जो मेरी आंखें देख रही हैं। अरे रे रे रे, ये क्या लिखा हुआ है, इसका इंटीग्रेशन तो और कुछ नहीं एफ एक्स इंटू जी एक्स ही हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन और कुछ नहीं एफ एक्स अपॉन जी एक्स ही हो जाएगा। ध्यान से देखिए, ये जो चीज है यहां पर ये और कुछ नहीं है एफ एक्स इंटू जी एक्स का ही डेरिवेटिव लिखा हुआ है, कैसे रीअरेंज कर दिया गया था। और ये जो चीज है ये कुछ नहीं है
एफ एक्स अपॉन जी एक्स का ही डेरिवेटिव है। अब सारी वैल्यू आपको नोन है, तो एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू जी एक्स का इंटीग्रेशन एफ एक्स इंटू जी एक्स, और एफ डैश एक्स जी एक्स माइनस जी डैश एक्स एफ एक्स अपॉन जी स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन एफ एक्स अपॉन जी एक्स बात बन गई। तो जीरो से वन, कहानी खत्म, वेरी वेरी सिंपल। अब तो आप वैल्यू रख देंगे, आंसर आ जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा कॉपी कर लें फिर हम आगे बढ़े, कॉपी कर लीजिए खट से। अब जो है इधर 12वें क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। 12वां क्वेश्चन एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, sec x माइनस tan x। वैसे तो ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों की बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, इनफैक्ट कभी कभी मैं डर जाता हूं आपकी ट्रिग्नोमेट्री देखकर कि इतनी स्ट्रांग कैसे कर लिया आप लोगों ने। खैर, sec x माइनस tan x और sec x प्लस tan x दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो अंदर ही अंदर अगर आप रेशनलाइज कर दें, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें sec x प्लस tan x से, तो आपके पास 12वें के अंदर यह प्राप्त होगा इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 कोसेक एक्स ऊपर आ जाएगा और नीचे आपके पास sec x प्लस tan x होल इंटू रूट ऑफ 1 प्लस 2 कोसेक एक्स dx। देखिए रूट तो बुद्धू बनाने के लिए दे रखते हैं, रूट के अंदर ही अंदर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें sec x प्लस tan x से, तो ऊपर बनेगा sec x माइनस tan x इंटू sec x प्लस tan x sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x 1, और नीचे बनेगा sec x प्लस tan x का होल स्क्वायर। अब मेरे मन में विचार चल रहा है यार cosec x एक है, और यार रूट के अंदर भी cosec x है, cosec x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? cosec x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec x cot x, तो जबरदस्ती में ऊपर नीचे cot x से मल्टीप्लाई कर देता हूं ताकि cosec x का डेरिवेटिव ऊपर क्रिएट हो जाए। तो यहां पर तो ये ऐसे ही पड़ा हुआ है, इसको cot x से मल्टीप्लाई कर दो, इसको cot x से मल्टीप्लाई करोगे तो cot x इंटू tan x तो खैर 1 हो जाएगा, और यहां cot x को cot x कितना होगा cos x अपॉन sin x और cos, तो ये cosec x बन जाएगा। उतेरी, इसका ही डेरिवेटिव हमने कितने आराम से ऊपर क्रिएट कर दिया है, करना कुछ नहीं है, 1 प्लस 2 cosec x को t स्क्वायर रख दीजिए, तो यहां पर माइनस cosec x cot x dx कितना बन जाएगा t dt। एक बार चेक कर ले, cosec डेरिवेटिव माइनस cosec x cot x dx को t dt, बिल्कुल सही। तो आपके पास आ जाएगा, लिमिट अभी रख देंगे, तो cosec x cot x dx माइनस t dt होल अपॉन cosec x प्लस 1, cosec x कितना t स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 होल इंटू t, t से t तो कट जाता है, लिमिट रखना चाहे लिमिट रख दें, यहां पर रख देंगे cosec 0, तो यहां पर तो cosec 0 की वैल्यू कितनी होती है, तो इन्फिनिटी हो जाएगा, टी की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी और cosec पाई बाई 2 1 हो जाएगा, तो रूट 3 हो जाएगी, टी से टी कट जाएगा, ऊपर नीचे रंग बदल के काट देते हैं, ये लीजिए बहुत ही आराम से इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस प्लस 2 तो 2 बाहर निकाल लें, इन्फिनिटी से रूट 3 डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1। केवल मैं लिखूंगा आइए जी, आइए जी का मतलब इंटीग्रेट एंड गेट, इसका इंटीग्रेशन कितना है tan इनवर्स t, छोटे बच्चे कर सकते हैं, कर लीजिए। 12वां क्वेश्चन भी लगा लिया, 13वां क्वेश्चन भी यहीं का यहीं लगाएंगे, देखिए ध्यान से, बहुत सही भैया बहुत सही। अच्छा मार्किंग कर लेते हैं ताकि सॉल्यूशन मिक्स ना हो और दोनों अलग अलग रहे। ओके, जीएक्स इज द इनवर्स ऑफ एक्स, कभी भी फंक्शन और उसका इनवर्स दोनों दिखने लग जाए, कभी भी फंक्शन और उसका इनवर्स दोनों, अब क्या है कि भाई जी एक्स अगर एफ एक्स का इनवर्स है तो एफ एक्स जी एक्स का इनवर्स है, दो फंक्शन होते हैं तो दोनों ही एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, ऐसा तो होता नहीं है केवल एक अकेला इनवर्स हो, तो कोई खास बात नहीं है। तो जी एक्स इज इनवर्स ऑफ एफ एक्स, तो जी एक्स एफ एक्स का इनवर्स है। अब इसको करने का तरीका होता है कि एफ के अंदर या तो उसका इनवर्स सब्स्टिट्यूट कर दो या जी के अंदर उसका इनवर्स सब्स्टिट्यूट कर दो, यानी एफ के अंदर एक्स की जगह जी एक्स रख दो या जी के अंदर वाई की जगह एफ एक्स रख दो, कहीं भी एक इनवर्स सब्स्टिट्यूट कर दो। कभी भी अगर फंक्शन और उसका इनवर्स दोनों इन्वॉल्वड हैं, कभी भी अगर फंक्शन और उसका इनवर्स दोनों इन्वॉल्वड हैं, कभी भी अगर फंक्शन और उसका इनवर्स दोनों इन्वॉल्वड हैं, तो करने का तरीका यह होगा किसी एक के अंदर उसका उल्टा डाल दो, या तो एफ के अंदर उसका इनवर्स या जी के अंदर उसका इनवर्स। अब बोलो गुरु जी इससे क्या फायदा होगा, देखिए ध्यान से, बहुत फायदा होगा, तो इसको तो नहीं छेड़ते, छेड़ना वैसे भी बुरी बात है, 1 से 5 एफ एक्स डी। अब यहां पर क्या करते हैं, इसके अंदर हम y की जगह fx डाल देते हैं, मैंने आपको बता ही दिया है
या तो f के अंदर उसका इनवर्स सब्स्टिट्यूट करो या g के अंदर उसका इनवर्स सब्स्टिट्यूट करो, कहीं ना कहीं एक ना एक सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। तो dy आपका बन जाएगा f डैश x dx, तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन gy की जगह g ऑफ एफ एक्स आ जाएगा, dy की जगह f डैश x dx आ जाएगा। लिमिट को ना चेंज करना भूलें। अब y अगर एफ एक्स है तो y, अब यहां किसकी लिमिट डली है, y की लिमिट डली है, तो जब y की वैल्यू 2 होगी तो एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, देखो एफ वन की वैल्यू 2 है तो लोअर लिमिट 1 आ जाएगी, क्योंकि एफ एक्स इक्वल टू 2 यानी x की वैल्यू 1 आ गई। अब जब y की वैल्यू 10 होगी तो यहां से x की वैल्यू 5 आ जाएगी। अरे वाह गुरु जी वाह। और आपको फंक्शन के चैप्टर में बताया हुआ है कि g ऑफ एफ एक्स कितना हो जाएगा, x। अगर f और g दोनों ही एक दूसरे के इनवर्स हैं तो g ऑफ एफ एक्स भी x होगा और f ऑफ gx भी x होगा। तो ये लीजिए, अरे रे दोनों को जोड़ लीजिए, ये तो उसका भाई बन गया, अरे ये तो उसका भाई बन गया, एफ एक्स प्लस एक्स एफ डैश एक्स डीएक्स, इसका इंटीग्रेशन भैया एक्स एफ एक्स, वो भी कहां से कहां, 1 से 5। अपर लिमिट रख दीजिए 5 इंटू एफ ऑफ 5 माइनस 1 इंटू एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 5 की वैल्यू कितनी है 10, तो 5 इंटू 10 माइनस 1 एफ 1 1 इंटू 2 तो आ गया 48। ये लीजिए आ गया आपके पास। मैं बताता कुछ नहीं, y की वैल्यू है ना 2 और 10, तो y की 2 होगी तो 2 इक्वल टू एफ एक्स इक्वेशन बनेगी कि नहीं, तो हमको गिवन है ना f1 की वैल्यू 2 तो x की वैल्यू 1 आ गई। भाई हम y से x में परिवर्तित कर रहे हैं तो यहां y की लिमिट है तो यहां x की लिमिट डलेगी। इसको चाहो तो अलग से भी ध्यान रख सकते हो अगर फंक्शन और उसके इनवर्स को जोड़ना होता है, लेकिन इसमें बहुत सारे प्रपंच हैं, आ जाएगा दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, अपर लिमिट का प्रोडक्ट माइनस लोअर लिमिट का प्रोडक्ट। लेकिन हमेशा नहीं, जब बिल्कुल बैलेंस्ड होगा तभी ऐसा होगा। भाई देव आप इस प्रकार से हमेशा कर ले, कॉपी कर लीजिए। ना नहीं, 13 क्वेश्चन के अंदर मैंने ये सब्स्टिट्यूशन आपको समझाया, 13 क्वेश्चन के अंदर ये समझाया कि अगर फंक्शन और उसके इनवर्स का इंटीग्रेशन कभी भी साथ में आ जाए, फंक्शन और उसके इनवर्स का इंटीग्रेशन अगर साथ में आ जाए तो आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, ये फंक्शन है तो जी उसका इनवर्स है और जी फंक्शन है तो एफ उसका इनवर्स है, तो फंक्शन और इनवर्स अगर दोनों एक साथ आ जाए तो आप क्या करेंगे, किसी एक के अंदर दूसरा वाला सब्स्टिट्यूट करिए, या तो एफ के अंदर जी को सब्स्टिट्यूट करिए या जी के अंदर एफ को सब्स्टिट्यूट करिए किसी, क्योंकि एफ और जी दोनों ही एक दूसरे के इनवर्स है। इसको फंक्शन समझो तो ये इनवर्स, इसको फंक्शन समझो तो ये इनवर्स, तो करने का तरीका यह कि दोनों के अंदर ही एक दूसरे का सब्स्टिट्यूशन करेंगे। अच्छा आप आ जाइए इधर, जरा आ जाइए, आइए एक और क्वेश्चन करें ऐसा ही जो मैंने अभी अभी आपको समझाया। हाँ अभी अभी जो मैंने आपको समझाया आइए उसी पर बेस्ड दो क्वेश्चन और एक क्वेश्चन और लेते हैं ताकि थोड़ा थॉटफुल आ जाए। एक क्वेश्चन और थोड़ा सा देखिए, 14th क्वेश्चन, रंग चेंज करना था। आइए एक और क्वेश्चन देखिए, लुक एट वन ऑफ द मोर इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन कहता है कि इंटीग्रेशन 0 से 1 एफ एक्स डी एक्स इज 1/3 और हमको दिया गया है कि एफ डैश एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड एफ जीरो इज जीरो, ये इंफॉर्मेशन हमको गिवन है और हमको वैल्यू निकालनी है, फाइंड 0 से 1 एफ इनवर्स वाई डी वाई। यहां पर भी फंक्शन गिवन है और फंक्शन के इनवर्स का इंटीग्रेशन करना है, एफ 0 0 दे रखा है, एफ डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है यानी ये फंक्शन कैसा हो गया, इंक्रीजिंग। अच्छा और हमको 0 से 1 एफ इनवर्स वाई की वैल्यू चाहिए और 0 से 1 एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू 3 दे रखी है। चलो अब हम कैसे निकालेंगे, सुनो इसको पिछले क्वेश्चन से मैच करवाओ, पिछले क्वेश्चन से मैच कराओ। अब हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं इंटीग्रेशन 0 से 1 एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 0 से 1 एफ इनवर्स वाई डी वाई, इन दोनों का सम कंसीडर करो।
क्योंकि अगर पिछले क्वेश्चन को आप देखें तो पिछले क्वेश्चन में इन्हीं दोनों का सम था, जी वाई क्या था, एफ इनवर्स वाई ही था। अच्छा, इसमें लगता है कि इंफॉर्मेशन मिसिंग है। वापस से हम क्या करेंगे, यहां पर सब्सटीट्यूशन करेंगे। मैंने बताया था वाई को हम लोग एफ एक्स सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो ये चीज हमारे पास एफ वन की जरूरत पड़ेगी, एंड एफ वन की वैल्यू वन है, ये भी दे रखा है। वाई इक्वल टू एफ एक्स सब्सटीट्यूट करेंगे, तो वाई इक्वल टू एफ एक्स सब्सटीट्यूट करेंगे तो डी वाई आपको और कुछ नहीं एफ डैश एक्स डी एक्स बन जाएगा। तो ये बन जाएगा जीरो से वन एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ इनवर्स वाई की जगह एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स। एफ जीरो की वैल्यू जीरो है तो लोअर लिमिट जीरो आ जाएगी, क्योंकि अगर आप वाई को जीरो रख दें तो जीरो इक्वल टू एफ एक्स दिखाई पड़ेगा जहां से एक्स जीरो आ रहा है। और इसमें अगर y की वैल्यू 1 रख दें तो 1 इक्वल टू fx दिखाई पड़ रहा है जहां से x की वैल्यू 1 आ रही है, तो 0 से 1 आ जाएगा उत्तरी। ये बन जाएगा इंटीग्रेशन 0 से 1 fx plus x f' x dx, जो पिछले क्वेश्चन में किया वही का वही हम दोबारा यहां भी कर रहे हैं। तो यहां से ये चीज आ जाएगी x fx का इंटीग्रेशन कहां से कहां, 0 से 1। तो 1 रख देंगे तो 1 इंटू एफ ऑफ 1 और जीरो रखते जीरो जाएगा, वन आ गया। तो कुल मिला के दिस प्लस दिस का इंटीग्रेशन वन आ गया, और इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू हमको पता है, इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू 1/3 है, तो इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू 2/3, तो आंसर बेहतरीन निकल के आ जाएगा 2/3। तो इस प्रकार से भी उसी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है कि भैया एफ डैश एक एफ एक्स का इंटीग्रेशन दे रखा हो और उसके इनवर्स का इंटीग्रेशन पूछा हो। कॉपी कर लीजिए, हमने बताया कि डेफिनेट इंटीग्रेशन को इवेल्युएट करने के कितने तरीके हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन को इवेल्युएट करने के मेनली तीन तरीके हैं। पहला है इवेल्युएशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन यूजिंग इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में जो पढ़ा है उसी को यूज करके कैसे हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन को इवेल्युएट कर सकते हैं, वो तो मैंने सिखाई दिया आपको। दूसरा मेथड है यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, और तीसरा मेथड है यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। अब अपन आज दूसरा मेथड शुरू करने जा रहे हैं यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन का यूज करके। आइए बात करें मेथड टू, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं मेथड टू। हाँ, मेथड टू अब मैं आपको बताने जा रहा हूं इवेल्युएटिंग डेफिनेट इंटीग्रेशन यूजिंग इट्स प्रॉपर्टीज। डेफिनेट इंटीग्रेशन का इवेल्युएशन उसकी प्रॉपर्टी की मदद से, ज्यादा नहीं है 8 प्रॉपर्टी हैं, और इन प्रॉपर्टी की मदद से हम तरह तरह के डेफिनेट इंटीग्रेशन को इवेल्युएट करते हैं। तो 8 प्रॉपर्टी हैं तो यही लिख देता हूं, प्रॉपर्टी 1 टू प्रॉपर्टी 8। आपको यकीन नहीं होगा कि जब आप ये 8 प्रॉपर्टी पढ़ लेंगे तो आप लाखों डेफिनेट इंटीग्रेशन आंखों से देख के इवेल्युएट कर देंगे, आंखों से देख। चलो बात करते हैं इवेल्युएटिंग डेफिनेट इंटीग्रेशन यूजिंग इट्स प्रॉपर्टी। 8 प्रॉपर्टी हैं, शुरू की 5 प्रॉपर्टी तो बहुत ही बेसिक हैं। पहली प्रॉपर्टी जो कि बहुत ही सिंपल है कि इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी, पहली प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इज जीरो, कॉमन सेंस की प्रॉपर्टी है। ए से ए तक का इंटीग्रेशन जीरो ही आएगा। क्यों जीरो आएगा, क्योंकि अगर एफ एक्स का इंटीग्रेशन जी हो जाएगा तो जी ऑफ अपर लिमिट माइनस जी ऑफ लोअर लिमिट, तो जी ए माइनस जी ए हर बार जीरो ही आएगा। यहीं पर मैं इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं प्रॉपर्टी टू। दूसरी प्रॉपर्टी कहती है इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज माइनस टाइम्स बी से ए एफ एक्स डी एक्स। ये भी कॉमन सेंस की प्रॉपर्टी है, क्योंकि अगर एफ का इंटीग्रेशन जी है तो ये क्या लिखा हुआ है, जी एक्स फ्रॉम ए टू बी, और यहां पर क्या लिखा हुआ है, माइनस टाइम्स जी एक्स फ्रॉम बी टू। तो अल्टीमेटली सॉल्व करने पर दोनों सेम आ जाएगा, यानी अगर लिमिट्स को इंटरचेंज करते हैं तो आगे माइनस साइन लग जाता है, लिमिट्स को अगर इंटरचेंज करते हैं तो आगे माइनस साइन लग जाता है, लिमिट्स को अगर इंटरचेंज करते हैं तो आगे माइनस साइन लग जाता है। यहीं पर प्रॉपर्टी थ्री को देखें। प्रॉपर्टी थ्री यह बताती है कि नाम बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कहने का मतलब इंटीग्रेशन ए टू बी अगर एफ एक्स डी एक्स है तो वही का वही इंटीग्रेशन ए टू बी
एफ वाई डी वाई होगा, वही का वही इंटीग्रेशन ए टू बी एफ जेड डी जेड होगा। नाम बदलने से क्या होगा, देखो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो जी एक्स आ जाएगा कहां से कहां, ए टू बी। अल्टीमेटली तुम ए और बी रखोगे तो ये जी बी माइनस जी ए ही तो आएगा। अब अगर एफ एक्स का इंटीग्रेशन जी एक्स है तो एफ वाई का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, जी वाई हो जाएगा। और फिर तुम ए और बी रख दोगे तो ये भी जी बी माइनस जी ए हो जाएगा। अब नाम ही तो बदला भैया, एक्स को वाई रख दिया, वाई को जेड रख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर भी एफ जेड का इंटीग्रेशन आपका जी जेड आ जाएगा और कहां से कहां ए टू बी, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी जी बी माइनस जी। तो नाम बदलने से किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तीन प्रॉपर्टी कॉपी करें, चौथी से काम की प्रॉपर्टी शुरू होगी, कॉपी करिए। ये तीनों प्रॉपर्टी अपन देख ली, यहीं पर अब हम देखने जा रहे हैं प्रॉपर्टी फोर। प्रॉपर्टी फोर के अंदर मैं बताऊंगा आपको इंटीग्रेशन ऑफ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन में क्या पड़ा है, मैं बताता हूं डिसकंटिन्यूअस फंक्शन में क्यों पंगा है। क्योंकि जब मैंने आपको पहले दिन डेफिनेट इंटीग्रेशन सिखाया था तो मैंने आपको ये बात बोली थी कि इफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इज जी एक्स एंड एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन ए टू बी, देन इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज जी ऑफ अपर लिमिट माइनस जी ऑफ लोअर लिमिट। इसी से अपन ने इनडेफिनिट इंटीग्रेशन की मदद से डेफिनेट इंटीग्रेशन किया, लेकिन एक छोटी सी शर्त आ गई और वो शर्त ये है कि फंक्शन जो होना चाहिए कंटिन्यूअस होना चाहिए। अब सवाल उठता है गुरु जी कंटिन्यूअस नहीं हुआ तो उसके लिए टेंशन ना लें, उसी के लिए प्रॉपर्टी फोर बनाई गई है। हम मान लेते हैं कि एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी वन एक्स इक्वल टू सी टू इन एक्स एप्सिलॉन ए कॉमा। हम मान लेते हैं कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है सी वन और सी टू पर, कहां से कहां, ए से बी के बीच में। तो अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो करना कुछ भी नहीं है, आपको इसको हर पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पर तोड़ देना है। ए से बी एफ एक्स डी एक्स को लिख देंगे, ए से सी वन प्लस सी वन से सी टू प्लस सी टू से बी एफ एक्स डी एक्स। आगे बढ़ने के पहले यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूंगा। अच्छा, जरूरी नहीं है कि डिसकंटिन्यूअस पर तोड़े, आप अपनी इच्छा पर भी तोड़ सकते हैं। कहने का मतलब, अगर इंटीग्रेशन वन से टू है, अब ये कंटिन्यूअस है तो भी आपको अगर मन कर रहा है या क्वेश्चन में जरूरत आ रही है तो भी तोड़ सकते हैं। जैसे वन से थ्री बाई टू प्लस थ्री बाई टू से टू, भाई डिसकंटिन्यूअस होने पर तो ब्रेक करना हमारी मजबूरी है। लेकिन अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो भी आप उसको ब्रेक कर सकते हैं, मतलब अगर क्वेश्चन में जरूरत है जरूरी। एक बात और, ब्रेक करने का मतलब ऐसा कहीं नहीं होता कि सिर्फ वन से टू के बीच में ही ब्रेक करना है। आप इस चीज को यूं भी लिख सकते हैं, वन से थ्री प्लस थ्री से टू। जो पॉइंट ऑफ ब्रेकिंग है वो जरूरी नहीं कि इंटरवेल के अंदर हो, बाहर जाके ब्रेक करिए, बस लिमिट को सही रखिए। वन से थ्री चले फिर थ्री से टू आ गए, तो कुल मिला के कहां चले, वन से टू आ गए। आप वेरियस जगह ब्रेक करिए, भैया वन से फोर प्लस फोर से टेन प्लस टेन से टू, ऐसे भी लिख सकते हैं। कंटिन्यूअस फंक्शन को कहीं पर भी ब्रेक कर सकते हैं। जब भी आप कंटिन्यूअस फंक्शन को किसी पॉइंट पर ब्रेक करते हैं और डेफिनेट इंटीग्रेशन के दो टुकड़े करते हैं, तो ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है और ऐसा होता भी नहीं है कि वो पॉइंट इंटरवल के बीच में होना चाहिए। नहीं, आप बाहर जाइए, घूम कर आइए, एक से चार जाइए, फिर चार से दस जाइए, फिर दस से दो आ जाइए, तो कुल मिला के क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ, वन से टू का डिस्प्लेसमेंट हुआ। नहीं, डिफरेंस देखो, आप समझ नहीं रहे।
अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो आप तोड़े बिना इंटीग्रेट कर ही नहीं सकते, तो तोड़ना आपकी मजबूरी है, तोड़ना पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो भी आप अपने मर्जी से अगर क्वेश्चन में जरूरत पड़ रही है तोड़ सकते हैं। दूसरी बात, तोड़ने के लिए ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है कि जो पॉइंट पर तोड़े वो इंटरवल के बीच में होना चाहिए। आप बाहर निकल के भी डिस्प्लेसमेंट की तरह तोड़ सकते हैं कि 1 से 4, 4 से 10, 10 से 2, कुल मिला के कहां से कहां भैया 1 से 2। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। बहुत सारी बार बच्चे ऐसा सोचते हैं कि जब भी आप इंटरवल में ब्रेक करते हैं तो इंटरवल के बीच के पॉइंट पर ही ब्रेक करना होता है, ऐसा जरूरी नहीं है, कहीं पर भी ब्रेक कर सकते। अब देखिए, C1 और C2 पर डिस्कंटिन्यूटी थी तो आपको ब्रेक करना ही पड़ेगा। अब A से B में कोई डिस्कंटिन्यूटी नहीं है, ऐसे C1 में, अब C1 से C2 में कोई डिस्कंटिन्यूटी नहीं है, अब C2 से B में कोई डिस्कंटिन्यूटी नहीं। एक बार क्लास में मैंने बताया तो एक बच्चा हंसने लगा, बोला गुरुजी आप बुद्धू बना रहे हैं। मैं लग क्यों, बोला गुरुजी अब तो जो है A से C1 में कोई डिस्कंटिन्यूटी नहीं है ना। मैं ला हाँ, तो बोलता है तो गुरुजी ये G C1 माइनस GA बन जाएगा, और गुरुजी C1 से C2 में आपने के कथन के अनुसार ये GC2 माइनस GC1 बन जाएगा, और फिर ये चीज गुरुजी GB माइनस GC2 बन जाएगी, तो कुल मिला के गुरु जी प्लस GC1 माइनस GC1 कट जाएगा, प्लस GC2 माइनस GC2 कट जाएगा। तो गुरु जी आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, ये देखिए ये GB माइनस GA ही तो आ गया। अब यहां पर बच्चे ने सोचा तो काफी लेकिन गलत सोचा। यहां पर ध्यान देना है कि जब भी आप ब्रेक करते हैं तो C1 एक डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट है, C2 एक डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट है। तो यहां पर अब मैं आपको समझाना चाहूंगा कि किस बात का ध्यान रखना है, ऐसा नहीं होगा। सुनिए ध्यान से, सुनिए ध्यान से, जब भी आप ब्रेक करेंगे तो डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट पर वन साइडेड लिमिट कैलकुलेट होगी, यानी जब GC1 तो GC1 माइनस कैलकुलेट होगा, या GC2 GC2 माइनस और GC1 प्लस और GC2 माइनस। हाँ, अगर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और इसकी राइट हैंड लिमिट बराबर हो गई तो कटेगा ही कटेगा। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट कहां पर बराबर होती है, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात आती है निकल के कि एट पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी कैलक्यूलेट के हाँ प्लस ये हो हाँ कैलकुलेट केयरफुल्ली वन साइडेड लिमिट। और दूसरी बात यह भी आती है कि अगर वो नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है तो कटेगा ही कटेगा, तो तोड़ने की जरूरत नहीं है। एट नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी नीड नॉट ब्रेक द डेफिनेट इंटीग्रेशन। और नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी पर डेफिनेट इंटीग्रेशन को ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कर भी देंगे तो भी कट जाएगा। अब सवाल उठता है तो गुरु जी क्या करें, चेक करें हर जगह बैठकर कि रिमूवेबल है कि नॉन रिमूवेबल। नहीं, आपको तो जितनी डिसकंटिन्यूटी दिखती है सब जगह तोड़ दो, आपको जितनी डिसकंटिन्यूटी दिखती है सब जगह तोड़ दो, लेकिन LHL RHL को ढंग से इवेलुएट कर इस बात पर विशेष ध्यान दो, जहां कटना है कट जाएगा, जहां बचना है बच जाएगा। इसमें बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट पर तोड़ तो देते हैं लेकिन LHL RHL का ध्यान नहीं रखते हैं, ये ध्यान रखना है। और नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी पर चूंकि LHL RHL बराबर होती है तो उसमें वो कटेगा ही कटेगा, उसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं। कॉपी करिए,